ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ବଞ୍ଚିତ ଓ ଶୋଷିତଙ୍କ କଥା ଆସେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର। ସମ୍ବିଧାନ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବାବା ସାହେବ, ଯାହାର ନାରା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଦେଶ କା ନାମ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମହାସଭା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ, ଶୋଷିତଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। कौन कौन का अधिकार देने के लिए तैयार है? कोई मुसल के बारे में पूछता था प्रदेश में? बंटालिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, ओल, तब गोलू का इतिहास, सबका जवकुमार वंश का इतिहास है, कोई पूछता था? एहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, छोटी छोटी समुदाय है, एक सीमित क्षेत्र में है। आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहाँ पे कार्रवाई शुरू की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मार्गदर्शन में गरीबों को सरकारी योजना लाभ प्राप्त होगा नहीं शत प्रतिशत सेचुरेशन लक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार काम करुछन्ति। गरीब एवं दलितों प्रत्येक क्षेत्र में संरक्षण लाभ मिलुछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते अणसंरक्षित जमी उपरे जे निजर घर तैयारी करिछि ताहले सेमानंकु से जमीर पट्टा जोगाई देबे उत्तर प्रदेश सरकार। यदि संरक्षित जमी उपरे घर करिथांती ताहले आउ एक स्थान रे जमी पट्टा जोगाई दिया जिवो। जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पर अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। श्रमिकों पर प्रथमे स्वर उठाइले बाबा साहेब आम्बेदकर। श्रमिकों पिला उत्तर प्रदेश सरकार अटल आवासिक विद्यालय आरंभ कर 2014 पूर्व गरीबों आवास एक स्वप्न था कि प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में आज 4 कोटी परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराई मोदी सरकार और प्रत्येक दलित एवं वंचित को यार लाभ मिलवा उचित योगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार दर्शन पर शोध करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। वहां पे कुछ अच्छे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्यक्रम को हम वहां पर स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम वहां पे होते, वहां पे उसका केंद्र बिंदु वहां पे हमें बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी और प्रभावी ढंग से आगे कार्य कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश विदेश में बाबा साहेब आम्बेदकर जड़ित 5 स्थल को पंचतीर्थ भाव स्थापित कर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहेब अंतर्जात स्मारकी निर्माण कर बाबा साहेब जीवन उपर गवेषणा कले स्कॉलरशिप देवाक राज्य सरकार योजना करुंट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।